हेलो व्यूअर्स, आज फिर हम एक नए टॉपिक के साथ, जैसे लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने कवर किया था रिफ्रैक्शन के बारे में, तो उसी का एक टॉपिक है आपका ये रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्शन क्या था कि जब भी हम मान लिया कोई भी एक रे इंसिडेंट करवाते हैं और वो रे आपका एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो बैंड हो जाती है, हमने ऐसा करके बोला था। तो अभी उसी में एक कंसेप्ट आता है रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ, ये क्या है। जैसे हमने क्या किया, मान लिया हमने कोई एक गिलास ले लिया कांच का। अब उस गिलास में हम मान लिया नीचे यहाँ पे कोई भी पोर्शन रख दिया, कोई सिक्का रख दिया, कोई भी चीज़ रख देते हैं यहाँ पे ऐसे करके, कुछ भी एक ऑब्जेक्ट रख दिया। तो होगा क्या, इसको हमने फिर फिल कर दिया, मान लिया इसके अंदर हमने ऐसे पानी डाल दिया आपका, ये तो है क्या, ये आपका वाटर और ऊपर हमने बोल दिया यहाँ पे है आपकी एयर। तो इसमें होगा क्या, वाटर और एयर के साथ अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से हम क्या बोलेंगे, वाटर बिहेव करेगा एक डेंसर मीडियम की तरह और जो एयर है वो रेयर मीडियम की तरह बिहेव करेगी। तो इसमें हम क्या देखते हैं, जब यहाँ से मान लिया ऊपर से हम इसको देखें, ये है क्या रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ में, कोई सिक्का जब हम उस यहाँ रख देते हैं ना और इसको ऊपर से मान लिया हम यहाँ से इसको देख रहे हैं तो ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, उसको हम अपेरेंट डेप्थ बोलते हैं। तो एक बार देखते हैं ये क्यों होता है। देखें, हमने यहाँ जैसे ये सिक्का यहाँ रखा हुआ है, अगर हम इसको यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से रे जाएगी हमारी आँखों तक, इससे कोई रे मान लिया रिलीज़ हुई यूं करके, आपकी कोई रे रिलीज़ हो रही है, हमने बोल दिया यहाँ, ये क्या है इंटरफेस। इंटरफेस का मतलब है यहाँ पे दो मीडियम हैं, नीचे अलग है ऊपर अलग है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। हमने क्या बोला है, डेंसर से जब रेयरर में कोई रे जाती है, डेंसर से रेयरर में अगर कोई रे जाती है तो वो बैंड हो जाती है नॉर्मल से अवे। तो ये ऐसे स्ट्रेट जानी थी लेकिन ये बैंड होगी अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो जब ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हुई तो ये यहाँ जाएगी ऐसे, और हम यहाँ से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, मान लिया हम यहाँ से इसको ऑब्जर्व करेंगे, हम मान लेते हैं कि यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व करें। जब यहाँ से इसको ऑब्जर्व करेंगे तो हमें ये कहाँ से आती हुई दिखाई देगी, ये रे कुछ ऐसे स्ट्रेट ऐसे अगर हम देखें तो यहाँ से, तो ये जो सिक्का है ये अब हमें यहाँ दिखाई देगा, मतलब इसकी रियल जो डेप्थ है वो है ये नीचे ये वाली, लेकिन हमें जो दिखाई दे रहा है वो यहाँ दिखाई दे रहा है। तो ये जो है ना ये वाली ऊपर, ये जो हमें दिख रहा है इतना सा, इसको हम बोलते हैं अपेरेंट डेप्थ, हम बोल देते हैं अपेरेंट डेप्थ। और जो हमने रखा था ये जो टोटल है इसको हम क्या बोलेंगे, इसकी रियल डेप्थ। तो ये कंसेप्ट होता है, ये किसकी वजह से है आपका, रिफ्रैक्शन की वजह से। इसमें अगर हम सिंपल देखें तो देखो क्या होता है, बेसिकली जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मीडियम का जो है हमारा, इस म्यू के बराबर होता है हमारा, जैसे हम बोल देंगे रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ, इनके रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होगा इसको अगर हम यूज़ करें तो। अब इससे नेक्स्ट है आपका, जैसे एक इसी रिफ्रैक्शन को अगर हम थोड़ा सा आगे लेके चलें तो एक टर्म आती है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये क्या है, देखो हमने क्या किया, हमने मान लिया कोई ऐसे कोई इंटरफेस ले लिया, यानी कि इसके नीचे मान लिया वाटर है और इसके ऊपर आपकी एयर प्रेजेंट है, एयर है यहाँ पे आपका वाटर है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ से कोई रे इंसिडेंट करवा दी यूं, ये आपका इंटरफेस, इस पे हमने पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स पे हमने नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, यहाँ से ये आपका डेंसर, ये आपका रेयरर। तो डेंसर से जब रेयरर में जाएगी तो ये जानी है स्ट्रेट, लेकिन ये फिर क्या हो जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम चेंज होते ही क्या होगा, बेंड होगी,
डी टू आर है यानी कि डेंसर से रेयर है, तो ये अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी। मान लिया ये यहाँ चली गई। अभी हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके हमने इस एंगल को, ये है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये है आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, हमने क्या किया, हमने इस इंसिडेंट रे को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। मान लिया आई एंगल है जो, उसको हमने थोड़ा और इंक्रीज़ कर दिया। उससे क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। जैसे मान लिया हम यहाँ देखें, ये आपका वाटर और ये आपका नॉर्मल, हमने इसको ऐसे बढ़ा दिया यूं करके। तो अभी देखो ये तो यहाँ स्ट्रेट जा रही थी, और बैंड होगी इससे ज़्यादा तो कुछ ये यहाँ बैंड हो जाएगी, मान लिया कुछ ये ऐसे बैंड हो जाएगी। तो इंसिडेंट एंगल जैसे बढ़ा तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। थर्ड केस हम और कर लेते हैं, उसमें क्या किया हमने, ये आपका वाटर, ये आपका नॉर्मल, और यहाँ पे हमने उस इंसिडेंट एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। जब हमने बढ़ाया तो यहाँ रिफ्रैक्शन के बाद वो जो रे है, ये जो थोड़ी और बैंड होगी, अगर थोड़ी और बैंड होगी तो ये यहाँ चली जाएगी इसी लाइन के अक्रॉस यूं करके। यानी कि ये जो रिफ्रैक्शन है ना, आर रिफ्रैक्शन एंगल, ये अब कितना हो गया, ये 90 डिग्री के बराबर हो गया। ये जो रिफ्रैक्शन है ये किसके बराबर हो गया, 90 डिग्री के बराबर। यानी कि जो रे है रिफ्रैक्शन के बाद इस इंटरफेस के अलोंग चलना शुरू कर देती है, इंटरफेस के अलोंग चलना शुरू कर देती है। इस टाइम पे ये जो आपका इंसिडेंट एंगल है, इस इंसिडेंट एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। सी, इस इंसिडेंट एंगल को हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो इसको हम यूज़ करते हैं। तो अभी ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, इसमें हम क्या बोल रहे हैं कि ये एक फिनोमिना है जिसमें जब कोई भी रे, कंडीशन ये है इसमें कि डेंसर से रेयरर जा रही है, डेंसर से रेयरर जा रही है, तभी अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड होगी, तभी इंटरफेस के पास आएगी। तो हम क्या बोल रहे हैं, अगर कोई रे डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही हो और 90 डिग्री से रिफ्रैक्ट हो जाए, 90 डिग्री से रिफ्रैक्ट हो जाए, यानी कि रिफ्रैक्शन में जो एंगल आया वो 90 डिग्री बन जाए, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब क्या बोलेंगे, अभी देखो अगर मान लिया अब कोई भी रे अगर क्रिटिकल एंगल से बड़ी अगर आएगी, तो देखो क्रिटिकल एंगल पे ये पैरेलल होगी, अगर क्रिटिकल एंगल से कुछ भी हम इंक्रीज करेंगे एंगल को तो वो 90 से ज़्यादा ही रिफ्रैक्ट होगी, और 90 से ज़्यादा अगर रिफ्रैक्ट होगी तो वो वापस उसी मीडियम में आ जाएगी जिस मीडियम से वो गई थी। 90 डिग्री से ज़्यादा रिफ्रैक्शन हुआ तो वो वापस इसी मीडियम में आ जाएगी। इस फिनोमिना को हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि वापस से इंटरनली रिफ्लेक्ट होके आ गई है, इसको हम बोल रहे हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अभी इसी केस में अगर हम मान लिया स्नेल्स लॉ यूज़ करें, मान लिया ये केस ले रहे हैं हम और इस केस में स्नेल्स लॉ यूज़ करें, तो स्नेल्स लॉ क्या था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये वाटर है तो हमने बोल दिया वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, साइन आई हो गया, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम का, दूसरा मीडियम क्या है एयर, और साइन ऑफ, साइन आर, आर क्या है 90 डिग्री। अब ये जो साइन 90 है, साइन 90 तो 1 होता है, तो हम क्या करें, इसको एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एक साइड ले लें और बाकी को एक साइड ले लें, यानी कि क्या हो जाएगा आपका म्यू वाटर डिवाइडेड बाय म्यू एयर इज इक्वल टू 1/sin आई। आई किसके बराबर है, अभी देखो ये जो इंसिडेंट एंगल था, रिफ्रैक्शन 90 कब हो रही है, जब आई किसके बराबर हो, सी के बराबर, क्रिटिकल एंगल के बराबर। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, साइन आई की बजाय साइन सी। तो हमारे पास ये एक टर्म निकल के आई कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो आएगा ये 1/sin ऑफ क्रिटिकल एंगल के बराबर आएगा इसी में। तो इसमें एक क्वेश्चन सिंपल सा आ जाता है क्या, कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है। तो कंडीशन में आप सबसे पहली बात क्या बोलोगे, सबसे ज़रूरी जो कंडीशन है वो ये है कि एक तो जो मान लिया फर्स्ट कंडीशन मैं यहाँ मेंशन कर दूँ, सबसे ज़रूरी क्या है, एक तो जो रे है ना वो डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन ये।
डेंसर से रेयरर में जानी चाहिए, और दूसरी क्या है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है वो हमेशा ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। तो ये दो आपकी सबसे ज़रूरी कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। इसको हम अलग अलग जगह यूज़ करते हैं, जैसे मान लिया आपका ऑप्टिकल फाइबर केबल होती हैं, उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, जो डायमंड चमकता है उसकी कटिंग ऐसे होती है कि जो रे उसके अंदर इंसिडेंट करेगी वो हर बार टोटली रिफ्लेक्ट होगी, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसमें हर सरफेस के साथ परफॉर्म करेगा। तो इसकी एप्लीकेशंस हैं ये, आप इसको यूज़ करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को, ये कई जगह हमारे काम आती है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेंस। अब लेंस होता क्या है, जैसे हम ये बोल देते हैं कि एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसमें हम उस मीडियम को बाउंड कर देते हैं किन्हीं दो सरफेस से, किन्हीं भी दो सरफेस से। अगर मान लिया हम, जैसे हम बोलते हैं स्फेरिकल लेंस, स्फेरिकल लेंस अगर हम ऐसे बोल लें तो हम क्या बोलेंगे, एक कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम होगा बाउंडेड बाय एटलीस्ट वन स्फेरिकल सरफेस, वन स्फेरिकल सरफेस, इसको हम लेंस बोलते हैं। अब इसमें है क्या, जैसे मान लिया ये दो टाइप का होता है, एक हम बोलते हैं कन्वेक्स और दूसरा हम बोलते हैं कॉनकेव, जैसा कि हमने मिरर में पढ़ा था। कन्वेक्स में क्या होता है, कन्वेक्स होता है आपका कन्वर्जिंग, मतलब जो लाइट को इकट्ठा करेगा उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग, और कॉनकेव होता है आपका डाइवर्जिंग, जो फैलाएगा। तो ये होता है आपका डाइवर्जिंग लेंस और ये होता है आपका कन्वर्जिंग लेंस। इसी में अगर हम कन्वेक्स को देखें तो इसकी शेप अलग अलग हो सकती है, जैसे मान लिया हमने बोला था एटलीस्ट एक स्फेरिकल सरफेस हो, हम ऐसा भी बोल सकते हैं, कन्वेक्स की शेप होती है आपकी, तो उसमें हम ऐसा बोल सकते हैं, जैसे मान लिया ऐसा कोई लेंस बना दें, इसको हम बोलते हैं डबल कन्वेक्स, डबल कन्वेक्स। डबल कन्वेक्स का मतलब है दोनों सरफेस ऐसे बाउंडेड है। एक आपका हो सकता है, मान लिया हमने आपका एक ले लिया प्लेन सरफेस ऐसे, और दूसरा जो सरफेस लिया वो ले लिया आपने ऐसे कन्वेक्स, तो इसको हम बोलेंगे प्लेनो कन्वेक्स, प्लेनो कन्वेक्स। ऐसा भी हो सकता है ये प्लेन ना लेके हम क्या करें, हम मान लिया ऐसा बना दें कोई यूं करके, तो ये जो होगा इसको हम बोलते हैं कॉनकेवो कन्वेक्स। तो इस तरीके से आपके तीन टाइप के कन्वेक्स होते हैं, जो आपके कन्वेक्स लेंस हैं वो तीन टाइप्स होते हैं, ऐसे ही तीन टाइप के आपके कॉनकेव होंगे। और इन कॉनकेव में क्या होगा देख लेते हैं एक बार, ये आपका कॉनकेव, इसको क्या बोलेंगे डबल, दोनों सरफेस वैसे है ना, तो हम क्या बोलेंगे डबल कॉनकेव, इसको हम क्या बोलेंगे डबल कॉनकेव। फिर हमने क्या किया, एक प्लेन और दूसरा ऐसा ले लेंगे यूं, इसको क्या बोलोगे प्लेनो कॉनकेव, और तीसरा ये भी हमने ऐसा ही ले लिया थोड़ा, और ये भी हमने ऐसा ही ले लिया, ऐसा जो सरफेस है इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव। तो आपके मेन जो कन्वेक्स मिरर है और कॉनकेव, सॉरी कन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, आपके मेन ये इस टाइप से उसकी फॉर्मेशन हो सकती है। और अभी इसमें जो कुछ टर्म्स हैं वो हम एक बार देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स इसमें यूज़ होती हैं, टर्म्स रिलेटेड टू लेंस देखते हैं एक बार। जैसे मान लिया जो लेंस है वो बनता कैसे, मान लिया आपके कन्वेक्स की बात करें तो होगा क्या, देखो आपके पास एक स्फीयर ये होगा यूं करके,
और दूसरा ऐसा ही एक हम ऐसे यूं बना देंगे, यूं करके। ये दो स्फेरिकल सरफेस आपस में यूं इंटरसेक्ट करेंगे, तो ये जो पोर्शन बचा आपका, ये इसको हमने यूज़ किया है, इस पोर्शन को यूज़ किया है जिसको हमने कन्वेक्स लेंस का नाम दिया है। अब इस कन्वेक्स लेंस में देखो, ये आपका एक सफ़ियर था, हमने बोल दिया इसका सेंटर है ये पल्ले का, ये आपका एक सफ़ियर है, हमने बोल दिया इसका एक सेंटर होगा सेकेंड सेंटर जो भी है, ठीक है। अभी देखो इससे रिलेटेड कुछ एक टर्म है, जैसे एक बोलते हैं, इसको बोल देते हैं ए बी, ये पोर्शन हमने ले लिया। अच्छा, अब फर्स्ट टर्म होती है, एक होती है अपर्चर, जिसको हम बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर क्या था, ये जो लेंस आपने लिया है इसका डायामीटर, ये जो लेंस आपने लिया है इसका डायामीटर, मतलब ये वाला पोर्शन, इसको हम बोलते हैं अपर्चर, यानी कि डायामीटर ऑफ लेंस, इसको अपर्चर बोलोगे। दूसरा होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, यानी कि सेंटर बेसिकली क्या है, जो कर्व मिलके, यानी कि इस सफियर की एक कर्व ये है और इस सफियर की एक कर्व ये है, जो कर्व मिलके आपका लेंस फॉर्मेशन कर रही है, उनके जो सेंटर हैं, जिन स्फेरिकल सरफेस से वो कर्व बिलोंग करती हैं, उनके जो सेंटर हैं उनको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर में आपका एक सिंगल होता था, यहाँ पे लेंस में आपके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएंगे, तो हम बोलेंगे यहाँ पे दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, एक C1 और एक C2। एक टर्म आती है इसमें प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। अब प्रिंसिपल एक्सिस क्या है इसमें, जैसे मान लिया ये आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो यहाँ से अगर मैं कोई स्ट्रेट लाइन पास करूँ यूं करके, इसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। अच्छा, एक और बात, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है और ये जो इसका अपर्चर है, यानी कि ये मिड पॉइंट पे काटते हैं, इस मिड पॉइंट को हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर, इस मिड पॉइंट को हम बोलेंगे ऑप्टिकल सेंटर। अभी इसके अलावा जैसे होता है इसमें एक टर्म और आती है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोर्थ टर्म अगर हम बोल दें प्रिंसिपल फोकस। अब प्रिंसिपल फोकस इसमें दो होते हैं, एक आपका F1 बोल देंगे और एक आपका F2 बोल देंगे। अब वो प्रिंसिपल फोकस क्या है, जैसे हम ये बोलेंगे कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करेगा और जहाँ से जो रे एंटर करेंगी किसी लेंस के अंदर, वो सारी जब आउट होंगी उस लेंस से, एमर्ज आउट करेंगी, तो वो पैरेलल टू लेंस चली जाएं, वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली जाएं, लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएं। जैसे मैं बोल दूं ये आपका कोई कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स लेंस ले लिया, यहाँ एक हमने कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी एक पॉइंट है यहाँ पे, अगर हम ऑब्जेक्ट रखें और यहाँ से कोई रे एंटर करे यूं लेंस में, यहाँ से रे एंटर करे लेंस में और ये यूं चली जाए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। और सेकेंड में क्या आएगा, जैसे मान लिया कोई पैरेलल रे आ रही हूँ, जैसे मैं बोल दूँ आपका कोई पैरेलल रे यूं आ रही हूँ, ये इंसिडेंट हुई और ये एमर्ज आउट होके जहाँ पे मिलें, एमर्ज आउट होके जहाँ पे मिलें उसको हम बोलते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। पैरेलल रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और ये यहाँ से एमर्ज आउट जब होंगी तो जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे ये जाके मिलेंगी उसको हम बोलते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। अच्छा, अभी फोकल लेंथ की बात करें तो फोकल लेंथ सिंपल है भाई, फोकल लेंथ क्या है, फोकल लेंथ है भाई ये देखो, इनके बीच में ये क्या है ऑप्टिकल सेंटर, इसके बीच में क्या है ऑप्टिकल सेंटर, तो फोकल लेंथ क्या है, ये है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी, यानी कि हम क्या बोलेंगे,
डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ, डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साइन कन्वेंशन। जैसा कि हमने मिरर में किया था वैसे ही होता है आपका यहाँ पे साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन में जैसे मान लिया हमने एक लेंस लिया, कन्वेक्स लेंस है, इसमें डाया पे जो मिड पॉइंट है इसको हमने क्या बोला, ऑप्टिकल सेंटर, डिनोटेड बाय सी। यहाँ पे आपका फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी फोकस, इसका फोकस पॉइंट फर्स्ट फोकस। यहाँ पे आपका सेकेंड आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये आपका फोकस पॉइंट। अब इसमें हम क्या लेंगे, मान लिया कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोगे, तो मान लिया हमने ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस किया, ऑब्जेक्ट यहाँ प्लेस किया तो वो जाएगा, उसमें से कोई रे जाएगी इस लेंस के ऊपर और यहाँ से बैंड होके वो पास होगी। ये पैरेलल रे है, पैरेलल रे है तो फोकस से पास होके वो यूँ चली जाएगी, ऐसे करके हमने यूँ बोल दिया। तो साइन कन्वेंशन में क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो एक तो ज़रूरी चीज़ है जब भी हम ये ड्रॉ करें तो जो आपका ये जो आप लेंस लोगे, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, लेंस जो है वो बहुत ही थिन होना चाहिए। कोई भी आप ऐसे रे डायग्राम बनाएं, कोई भी लेंस यूज़ करें तो लेंस को हमेशा थिन लेते हैं, हमेशा थिन लेते हैं। अब इसमें क्या है, देखो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है, जैसे आपका मिरर में था कि सारे डिस्टेंस पोल से मेजर होंगे, यहाँ पे हम क्या बोलते हैं, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर का मतलब क्या है, ये वाला आपका, इस पॉइंट से हम सारे के सारे डिस्टेंस मेजर करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या है, जो भी डिस्टेंस इंसीडेंट रे की डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसीडेंट रे, उसको हम लेंगे पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। अदरवाइज का मतलब अगर हम इंसिडेंट रे के अपोजिट मेजर करेंगे तो उसको नेगेटिव लेंगे। थर्ड पॉइंट मेन क्या है इसमें, अगर हम डिस्टेंस मेजर करें, डिस्टेंस अबोव द प्रिंसिपल एक्सिस तो पॉजिटिव और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस तो वो लिया जाएगा आपका नेगेटिव। इस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं। तो सिंपल क्या है, जो आपकी साइन कन्वेंशन है उसमें सारे के सारे जो डिस्टेंस हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से मेजर किए जाएंगे। दूसरा, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस मेजर किया जाएगा वो पॉजिटिव, अपोजिट मेजर करोगे तो नेगेटिव, प्रिंसिपल एक्सिस के अबोव मेजर करोगे तो पॉजिटिव, बिलो अगर मेजर करोगे तो नेगेटिव। इस वीडियो में आपके लिए इतना ही, तो आप एक बार इसको पूरा चेक करें, कहीं पे किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है तो उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक आप इंजॉय करें और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।